मैं आशा बेटी के आने से कितना अच्छा हुआ ना, हम सब लोग मिल के एक साथ नाश्ता करने लगे। अगर इसका बस चले ना तो हम लोग लंच और डिनर भी साथ करें। तो फिर ऐसा करो कि ऑफिस बंद कर दो और घर बैठ जाओ। इस तरह सब इकट्ठे घर में हर वक्त नजर आएंगे, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मामा। मैं आप निम्रा से क्यों नहीं कहती है कि वो साथ बैठ के नाश्ता करें हमारे? खुदा के लिए उसको अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी लेने दो। मामा, क्या हो गया आपको? आयशा, तुमने से बताया नहीं कि कल नफीसा आई थी? जी आंटी, मैंने बता दिया था। वो किंजा की सास है और वो फिर भी तुम लोगों को मनाने चली आई। और तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम मजहर को सॉरी कर लो? गलती मजहर भाई ने की है, हम क्यों सॉरी करेंगे उन्हें? कोई ऐसी गलती नहीं की उसने कि तुम सबके सामने उसको बेइज्जत करके रख दो। बड़ा बहनोई ही है वो तुम्हारा। आरिस कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। जो मामा चाहती है वो मैं नहीं कर सकता पापा। हारिस बैठ जाइए। मैं लेट हो रहा हूँ यार। हारिस, हारिस मेरी बात सुने। हारिस, इस तरह से जाएंगे तो सारा दिन ऑफिस में मूड खराब रहेगा। तो मम्मा को सोचना चाहिए ना, उनके लिए मजहर भाई की अहमियत है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बेटियों से जुड़े रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, आप समझे इस बात को। मम्मा काफी मजहर भाई की वकालत करने के लिए। खुदा हाफिज। आयशा अगर खानदान को जोड़कर रखना चाहती ना तो रख सकती थी। उसी की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर वो मजहर से सॉरी कर लेती या उसको मना लेती तो मजहर का रवैया बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समझाऊंगा, समझाऊंगा। खाक समझाएंगे आप? अगर आपने समझाया होता ना तक तो ये नौबत नहीं आती। अरे आ जाओ, बैठो बेटा, बैठो, नाश्ता करो। इसका गुस्सा बस ऐसे ही होता है, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, आप चाय गर्म करके ले आए मेरे लिए। तो मैं कितनी बार मैंने समझाया है कि नौकरों से रिश्तेदारियां जोड़ने नहीं बैठ जाते। आइंदा मैं तुम्हें उसे आंटी कहते हुए ना देखूं। आंटी, मैं रिश्तेदारी नहीं जोड़ रही, मैं तो बस एहतराम में कह रही थी। तो फिर मेरा नाम लिया कर। मुझे तुम्हारा एहतराम नहीं चाहिए, समझी तुम? दुर्दाना, ये भी कोई बात है भला जिसमें तुम इतना इरिटेट हो रही हो? मुझे और कुलसुम को ये एक ही स्टेटस पे रखती है और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी, आपके स्टेटस के बराबर कोई नहीं है, आप तो मेरी मामा जैसी हैं। तभी बात नहीं मानती हो ना? दुर्गाना, मेरा ख्याल है हम लोग बिल्कुल फजूल बहस में वक्त जाया कर रहे हैं। आप इजाजत दें तो मैं आपको मामा कह सकती हूँ। ग्रेट आइडिया। पता है आशा बेटा, जब तुम मुझे अंकल कहती थी तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से बाबा कहना शुरू किया ना, बहुत प्यारा लगता। ऐसे ही जब तुम इन्हें मामा कहोगी, इन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। कभी दिल ना टूटे प्यार में।